हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ क्रैब्स लेकर आया हूँ, रिवर क्रैब्स। हम लोग घूमने के लिए गए थे आज बेसिकली, तो ऊपर से बहुत बारिश हो रही थी और लोग ना क्रैब्स बेच रहे थे पकड़ पकड़ कर, रिवर क्रैब्स। और हमें 20 रुपीज में इतने सारे क्रैब्स मिले, मैं तो देखा ही नहीं आज तक कि 20 रुपीज में इतने, क्योंकि आप बहुत कुछ सस्ता भी है। आपने देखा है कि मेरे जो चीज़ें मैं खरीदता हूँ, जो भी फिश है या कुछ भी है, फिश बॉल है या कुछ फिशिंग नेट वगैरह जो है, वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। तो आप लोग कंपेयर करके मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आप लोग की जगह पे कैसी प्राइस है। तो क्रैब्स लेकर आया हूँ, रिवर क्रैब्स, तो प्लास्टिक के अंदर है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। और मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या क्रैब्स को हम एक्वेरियम में रख सकते हैं? एक्वेरियम में 100% क्रैब्स को नहीं रख सकते विथ फिश, ये तो मुझे पता है, लेकिन हम लोग फिर भी उनको पाल सकते हैं क्या रिवर क्रैब्स है? तो क्योंकि हमारा तो फ्रेश वाटर पानी में है, तो हम लोग अगर पानी डालकर, और खाने में क्या दोगे अगर आप रखोगे तो? क्योंकि बड़े प्यारे से हैं, इतने बड़े बड़े भी हैं, छोटे वाले भी हैं, तो छोटे वाले बड़े प्यारे लग रहे थे। तो अगर आपको कोई आइडिया है कि क्रैब्स को किस तरीके से रखना है तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है क्रैब्स के बारे में। मुझे सिर्फ पता है कि लोग उनको खाते हैं और उनको इस तरीके से एक्वेरियम में तो नहीं रखते, क्योंकि एक्वेरियम में तो वो फिश को बहुत हर्ट करते हैं, बाय द वे मैंने सुना भी है। लेकिन अगर हम एक्वेरियम में क्रैब्स रखें पानी में, तो क्या वो सच में वर्थ रखना रहेगा या कहीं पे भी इस तरीके का? तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और देखने के बाद आप बताइए कि क्रैब्स को हम क्या एक्वेरियम में कहीं भी पाल सकते हैं या नहीं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माय गॉड, ये देखिए, तो दोस्तों ये सारे क्रैब्स हम लेकर आए हैं, और हमारे साथ बच्चे भी हैं जो चिल्ला रहे हैं, इनको देखकर डर भी रहे, और उनको मैंने दिखाया भी है। तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, और देखिए ना कितना ज़्यादा हेल्थी है और इतना शाइन कर रहा है, और हाथ डाले में तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये काट लेंगे तो फिर दोस्तों एकदम पूरा होल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ काटते हैं ये लोग। तो बहुत सारे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ में मिला है। अभी मैं एक बार देखता हूँ कि ये किस तरीके का रिएक्ट करते हैं डालकर, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी, ओ देखिए ना, ओ माई गॉड, एकदम से पकड़ लिया ना। अगर वहाँ सोच लो कि आपका लिटिल फिंगर चला जाए या कोई भी हाथ का पोर्शन चला जाए तो क्या होगा, कोई भी फिंगर चले जाओ बेसिकली तो क्या होगा। और सही में ये बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है कि मतलब बच्चों के सामने आप इनको खोले या यू नो देखे कुछ भी करे, तो ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। और साथ में दोस्तों आप कहीं भी रख रहे हो, हम लोगों ने एक बाल्टी में रखा हुआ है, आप अगर इनको कहीं भी रख रहे हो तो प्लीज़ बहुत ही प्रिकॉशन लेकर रखें, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके हाथ से सब के सब छूट गए, मान लीजिए 20 या 10 भी है आपके घर पर छूट गए, तो फिर दोस्तों मतलब कोई उपाय ही नहीं है कि आप उनको निकाल पाओ। यस, आप रेस्क्यू कर पाओगे अपने आप को और उनको निकाल तो पाओगे, लेकिन दोस्तों फिर भी हाई चांस रहेगा कि वो आपको काट ले, और इतनी तेज़ी से भागते हैं लोग, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जब आप इनको लाएंगे और कहीं पर भी रखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगा और थोड़ा सा इनको वॉश कर लेंगे, और छोटे छोटे वाले भी है, आपको दिख रहा है ना, बहुत सुंदर सुंदर है। ये कलर भी इनका काफ़ी प्यारा है, रेड सा है, तो थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। और फिर पानी निकालने का भी मुझे डर लग रहा है कि किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अगर निकल गया तो सारे के सारे निकल जाएंगे और सब भाग जाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, कहीं आप वाटरफॉल्स में जाते हो या फिर तो कहीं नदी में जाते हो, तो आपको बुलबुले नज़र आते हैं ना काफ़ी जगहों से, मतलब मिट्टी के अंदर से, तो वो एक्चुअली क्रैब्स का होता है या किसी और चीज़ों का भी होता है, लेकिन मेनली क्रैब्स का होता है। देखिए ना यहाँ पे किस तरीके से बुलबुले निकाल रहा है ये। तो दोस्तों यही दिखाना था, बहुत एक्साइटेड था, आपने देखा और बहुत मज़ा आया रहेगा आपको। और ज़रूर से बताना दोस्तों कि इनको हम लोग रख सकते कि नहीं रख सकते, तो फिर मैं आप लोग के ऊपर रखता हूँ, कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हूँ।